ये डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण ये हैं कि तेज़ बुखार आता है, सिर में दर्द रहता है, उल्टी होता है और बॉडी पे पेटिकल रैश, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। हॉस्पिटल में एडमिट जब होना है, जब उल्टी हो रहा है, सिर में दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली ये वार्निंग साइंस हैं डेंगू के, इमीडिएटली आके हॉस्पिटलाइज होना है। हमारे ASM हॉस्पिटल में इसका डेंगू का ट्रीटमेंट भी स्कीम के थ्रू फ्री हो रहा है। सिर्फ डेंगू ही नहीं, कई दूसरे ऐसे बीमारी भी रहती है जो आप इसमें हम लोग अप्लाई करके आपका ट्रीटमेंट फ्री करा सकते हैं आप। हेलो, मैं डॉक्टर मोहम्मद फुरखान इनामदार ASM हॉस्पिटल से। आज हम एक अवेयरनेस वीडियो बनाना चाह रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में, जो कि काफ़ी तेज़ी से गुलबर्गा और अतराफ में फैल रहा है। ये डेंगू एक वायरल फीवर है जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण, डेंगू फीवर के लक्षण ये हैं कि तेज़ बुखार आता है, सिर में दर्द रहता है, उल्टी होता है और रैश, बॉडी पे पेटिकल रैश या ब्रश करने के बाद लो प्लेटलेट की वजह से ब्लीडिंग होना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। ये 90% सपोर्टिव ट्रीटमेंट से कम हो जाता है, 10% लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है। हॉस्पिटल में एडमिट जब होना है, जब उल्टी हो रहा है, सिर में दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली ये वार्निंग साइंस हैं डेंगू के, इमीडिएटली आके हॉस्पिटलाइज होना है, जहाँ पे डॉक्टर्स ग्लूकोज और इंजेक्शन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट करेंगे और प्लेटलेट गिरने से रोकने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सकता है इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है डेंगू से बचने के लिए। आजकल डेंगू के बचने के लिए बहुत से सहूलतें मौजूद हैं। अब तक तो डेंगू और चिकनगुनिया के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जो कि प्रिवेंट हो सके, बीमारी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन नहीं है। हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर ही एक प्रिवेंटिव मेजर है, इसको स्ट्रांगली लेना ज़रूरी है। हम ये अवेयरनेस क्रिएट इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि हमारे ASM हॉस्पिटल में इसका डेंगू का ट्रीटमेंट भी स्कीम के थ्रू फ्री हो रहा है। तो जिसको भी डेंगू फीवर कन्फर्म है या जिसको हॉस्पिटलाइजेशन लग रहा है, वो ASM हॉस्पिटल को रब्ता करके ट्रीटमेंट करा ले सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड और BPL कार्ड अगर रहा तो उसके बेसिस पे हम इंशाल्लाह AVRK में फ्री में ट्रीटमेंट करेंगे। अपने ASM हॉस्पिटल में आप आधार कार्ड और राशन कार्ड अपना सबमिट करके आप कौन से भी जनरल मेडिसिन का केस हो, जैसे कि दम की बीमारी हो या फिर जनरल सर्जरी केस, जैसे कि अपेंडिसाइटिस वगैरह कुछ भी केसेस रहा, फिर लेडीज़ प्रॉब्लम जो भी रहेगा, आप आके BPL कार्ड पे आप अप्लाई करके अपना ट्रीटमेंट फ्री करा सकते हैं आप। सिर्फ डेंगू ही नहीं, कई दूसरे ऐसे बीमारी भी रहती है जो आप इसमें हम लोग अप्लाई करके आपका ट्रीटमेंट फ्री करा सकते हैं।